बच्चों हम करने वाले हैं 10th क्वेश्चन, और ये वाले क्वेश्चन में मैं हमेशा ना हिट एंड ट्रायल का मेथड यूज़ करता था। तो देखो यहाँ पे क्या है, 53, 48, 43 एंड सो ऑन, और कब यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर, फर्स्ट नेगेटिव नंबर कौन से टर्म में आएगा। तो इस केस में ना मैं हिट एंड ट्रायल में दोनों मेथड यूज़ करता हूँ। पहले मैं हिट एंड ट्रायल मेथड लगाता हूँ, है ना, आपके नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल सही है ना। मैं हिट एंड ट्रायल से करता था। तो देखो सबसे पहले मैं करता हूँ, 11th टर्म निकालता हूँ। ये मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि ये होता है a प्लस 10d, और ये इजीली हो जाएगा क्योंकि 10 है यहाँ पे, है ना। तो देखो पहला टर्म मेरा a है 53 प्लस 10 इंटू डिफरेंस कितना है, 48 माइनस 53, तो ये हो जाएगा मेरे पे माइनस 5, है ना। तो ये हो जाएगा कितना डिफरेंस, यहाँ पे मेरे पे माइनस 5 है, तो 53 प्लस 10 इंटू माइनस 5 विच इज़ 53 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे 3 है, ये 11th टर्म की बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसे ही हिट एंड ट्रायल में 11th ले लिया। मैंने इसलिए लिया 11th क्योंकि देखो 10d आ जाता है यहाँ पर, a प्लस 10d, और यहाँ पे कैलकुलेशन करना काफ़ी ईजी हो जाता है, और ठीक है, तो इसलिए मैंने 11d लिया। अब देखो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। अब यहाँ पे देखो 11th टर्म में 3 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 12th टर्म में नेगेटिव नंबर आने वाला है ना। अब वो नेगेटिव नंबर 2 ही होगा, माइनस 2 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये एक मेथड तो ये है कि हिट एंड ट्रायल से करो। दूसरा मेथड बताता हूँ आपको। अब जो इसका सेकेंड मेथड है उसमें क्या करते हैं, देखो उसमें एक काम करो कि लेट द nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव नंबर, है ना, नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब इस n को मैंने फर्स्ट नेगेटिव नंबर ले लिया, मैं ap लिखता हूँ, तो 53, 48, 43 एंड सो ऑन चल रहा है। यहाँ पे a है मेरे पे 53, डिफरेंस है मेरे पे माइनस 5, ठीक है। अब nth टर्म निकालना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिए, मैं सिर्फ 53 टर्म का निकालता हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो tnth टर्म है, देखो tnth टर्म है जो, मैं किसका निकालूंगा, इस फर्स्ट टर्म का ही निकालूंगा। देखो तो ये हो जाएगा tnth टर्म क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1d होता है, ठीक है। अब ये tnth टर्म निकालना, तो a है मेरे पे 53 प्लस एन माइनस 1 और डिफरेंस है माइनस 5, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाने वाला है, बस आपको कुछ नहीं करना, nth टर्म निकालना है और इस पे पुट कर देना है, और जो ये n टर्म है ना इसको आपने नेगेटिव नंबर लेना था, ठीक है, बस यही करना है इस पे। तो ये हो जाएगा क्या, 53 प्लस ये हो जाएगा माइनस 5n प्लस 5, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 5n प्लस 5, ठीक है। ये माइनस 5n में इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5n इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 53 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 58, एन हो जाएगा 58 अपॉन 5, ठीक है। इसको काटूंगा तो 5 बन जा, और 11 3 बाय 5 कर कर कुछ आएगा। बस आपको ये याद रखना है, जो nth टर्म है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, इसका मतलब इससे एक बड़ी टर्म लेनी है। तो जो nth है वो मेरा 12th नेगेटिव नंबर होने वाला है, ये याद रखना, इससे एक बड़ा टर्म लेना आपने, है ना, क्योंकि nth टर्म कभी भी ऐसा आएगी नहीं फ्रैक्शन में, तो इससे एक बड़ा टर्म लोगे जो कि होगा 12। तो ऐसे कर कर आपको ये नेगेटिव करना है। मैं क्या करता था, मैं तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करता था, पर उस वो लेंथी प्रोसेस है, ये वाला करो ज़्यादा ईजी है, सीधे सीधे वैल्यू रखो, nth टर्म अगर फ्रैक्शन में आएगा उससे एक बड़ा नंबर ले लो, क्योंकि nth जो होता है टर्म होता है वो फ्रैक्शन में नहीं आता, तो उससे बड़ा टर्म लोगे आप, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज अब शुरू हुई है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, डिटरमाइन द एपी हुज फिफ्थ टर्म इज 19, मतलब जो फिफ्थ टर्म है मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर, वो है मेरे पे 19th, वो मैंने यहाँ लिख लिया है, एंड द डिफरेंस ऑफ 8th टर्म फ्रॉम द 13th टर्म, भाई 8th टर्म से डिफरेंस किया मैंने 13th टर्म, और उसका जो है टर्म है वो क्या है इस 20, मतलब फिफ्थ टर्म है 19 और 8th टर्म से जब मैंने डिफरेंट किया 13th टर्म को, तो वो कितना आया, अच्छा फ्रॉम द 13th टर्म, सॉरी
फ्रॉम द 13 टर्म, 13 टर्म से मैंने 8 को डिफरेंस किया, ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई, द डिफरेंस ऑफ 8 टर्म फ्रॉम द 13 टर्म इज 20, मतलब 13 टर्म से जब मैं 8 टर्म को माइनस करूँगा तो 20 आ रहा है। तो देखिए कितना ईजी है ये, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ही इसमें मेरे को यूज़ करनी है। तो देखो इसको कैसे करना है, तो 5th टर्म को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 4d इक्वल्स टू 19, और 13 टर्म को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 12d, माइनस 8 टर्म को लिख सकता हूँ a प्लस 7d इक्वल्स टू 20। बस अब इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए ये पहला वाला, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a प्लस 4d इक्वल्स टू 19, यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस 12d माइनस ए माइनस 7d इक्वल्स टू 20, ब्रैकेट के बाहर था माइनस तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए ये a से a कट गया और ये आ जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये हो जाएगा 5d इक्वल्स टू 20, ठीक है, बढ़िया है, डिफरेंस आ गया देखो मेरा, तो डिफरेंस आ जाएगा 4। अब डिफरेंस आ गया मेरा 4, अब ये डिफरेंस मैंने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है, तो मेरा ए भी आ जाएगा, और ए आ गया तो फिर मैं आराम से ए पी निकाल सकता हूँ। तो देखिए कितना ईजी है ये, है ना, तो डिफरेंस आ चुका है मेरा इससे, अब मैं ए निकालने की कोशिश करता हूँ, डिफरेंस जो डी है वो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो अब मैं इसको पुट करता हूँ डी को यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए प्लस 4 × 4 इक्वल्स टू 19, तो ये हो जाएगा ए प्लस 16 इक्वल्स टू 19, तो ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू 19 माइनस 6, तो यहाँ से मेरे पे आ जाने वाला है ए कितना, 16 17 18 19 विच इज़ 3, ए आ गया मेरे पे 3, डिफरेंस आ गया मेरे पे 4। बस अब देखो सीरीज आराम से आप निकाल सकते हो ए पी, है ना, तो पहला हो जाएगा 3, फिर सेकेंड टर्म आएगा मेरे पे 7, फिर ऐसे ही होगा 11, फिर आएगा कितना 15 और सो ऑन, ये चलती रहेगी सीरीज, है ना, ये मेरा ए पी आ गया। तो देखो कितना ईजी होता है ये, है ना, तो 11th क्वेश्चन भी हो गया, अब हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।